शहर के राजा बादशाह हनुमान मंदिर से हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल हुए 60 आकर्षक झांकियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। शोभा यात्रा के रास्ते में सड़क के दोनों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजा बादशाह हनुमान मंदिर में मनपा आयुक्त बी राधाकृष्णन, पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, पूर्व सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे की आरती के बाद शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। शोभा यात्रा के मार्ग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर विवेक तिवारी, अभिषेक तिवारी, डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी, नितिन गुर्जर, विक्रम गुर्जर, रविंद्र अवस्थी, सुभाष शर्मा, विजय पुरोहित, संदीप अग्रवाल सहित पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर गिट्टी खदान से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवा झंडा लिए जय श्री राम बजरंग बली के जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। हनुमान मंदिर में रामचरित मानस का पाठ हुआ। इस दौरान हनुमान जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंदिरों में पूजन आरती के साथ ही आयोजित भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वाघ यंत्रों व श्रद्धालुओं द्वारा लगाए जा रहे जय श्री राम जय हनुमान के गगनभेदी जय घोष से वातावरण गुंजायमान हो उठा। का यह 27वां वर्ष है, मैं आप लोगों के ध्यान में लेकर आना चाहता हूं कि जो परंपराएं शुरू होती हैं वो कभी हारती नहीं। यही कारण रहा कि कोरोना काल में भी हमने सांकेतिक रूप से कार में भगवान को बैठा के और उसी श्रद्धा के साथ इनकी परिक्रमा और यह फेरी निकाली थी। वर्ष में एक बार, पहले ये बता दूं कि हजारों साल पुराना मंदिर है राजा बादशाह हनुमान मंदिर। इनकी जो मुखाकृति और मूर्तिकला है ये हजारों साल पुरानी है और यही कारण है कि शोभा यात्रा में निकलता नहीं, भगवान निकलवा लेते हैं। विगत 27 वर्षों से हम रात भर यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दूसरे दिन भजन लाइन करवाते हैं और शाम को शोभा यात्रा निकालते हैं। आज 40 से 50 झांकियाँ, 10-15 इवेंट, कुल मिलाकर के मुझे लगता है 65 के ऊपर झांकियाँ होनी चाहिए और इवेंट होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं और बहुत सारे लोग समय पर आते हैं। उनकी श्रद्धा देखते हुए हम उन्हें मना नहीं कर पाते। आज राम में सारा राष्ट्र है और मुझे यह सब देखकर यह लगता है कि अगर आपको अपना कल्याण चाहिए तो वास्तव में आपको ईश्वरीय शरण में आना चाहिए और सबसे ज़्यादा सद्या फलद भगवान श्री हनुमान जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर विवेक तिवारी, वैसे अधिवक्ता हूँ लेकिन भगवान का सिर्फ और सिर्फ सेवक हूँ। नमस्कार। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।